आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला गर्ल, क्यूट सा गर्ल। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बिग साइज में ड्रॉ करना है, और यहाँ पर हम उसका हेयर स्टाइल ड्रॉ करते हैं। सर्कल के ऊपर से और नीचे से अंदर का पार्ट रब कर लेते हैं, इस टाइप से कुछ लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम हमारे चॉइस का भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम सुंदर सी उसकी बड़ी सी आँख बनाते हैं, कर्व करना है राउंड शेप, उसके अंदर भी छोटी सी नोज लिप्स। यहाँ पे नेक बनाने के बाद यहाँ पे हम उसका ड्रेस बनाएंगे, एक छोटा सा फ्रॉक ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से कर्व करना है और नीचे से ज्वाइन करना है। एक हाथ बनाएंगे, इस टाइप से फिंगर्स ड्रॉ करते हैं, उंगलियां और ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरे हाथ में अम्ब्रेला है ऐसा हम दिखाने वाले हैं, तो अम्ब्रेला गर्ल है। इस टाइप से यहाँ पे दो स्लांटिंग लाइन सेम साइज में होना चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं बहुत पतली भी नहीं, अम्ब्रेला के हिसाब से, छाते के हिसाब से। और यहाँ पे एक ऐसा छाता ड्रॉ कर लेते हैं बड़ा सा। अब ये पूरा ड्रॉ करते समय लाइट लाइट ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम उसके पैर ड्रॉ करते हैं, बारिश के अंदर है ऐसा हम दिखाने वाले हैं, तो उसके शूज भी बना लेते हैं। यहाँ पे एक पैर ऊपर है और नीचे थोड़ी सी ग्रास या बारिश की बूंदे, ऐसा हम बताएंगे बाद में। पूरा ड्रॉ हो गया, उसको इरेज कर लेना है क्योंकि हम वाटर कलर का यूज करने वाले हैं, हल्के हल्के यहाँ से इरेज कर लेना है। पूरा हो जाने के बाद ये हमारे पास कलर्स है, इसका यूज करें। पूरा ड्राइंग वॉश करना है, वॉश इसलिए करना है कलर एक दूसरे में मिक्स करने के लिए। ज़्यादा पानी हो गया तो टिश्यू पेपर से उठा लेना। स्किन कलर करने के लिए ऑरेंज कलर का ही यूज होता है वाटर कलर में, शेड बनाकर देख लेने का है और उसको यूज करना है स्किन के जैसे कलर के लिए। आँख के आजू बाजू में भी, नेक के ऊपर भी, और पहले लाइट लाइट शेड करेंगे। कभी भी वाटर कलर पहले लाइट फिर मिडल फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं और उसको मर्ज भी करते चलते हैं। नीचे से डार्क किया फिर उसको हल्के हाथ से हम मर्ज भी करेंगे तो शेडिंग का लुक देता है। नीचे से थोड़ा सा डार्क है, बाद में ब्रश धोएंगे पोछेंगे और फिर उसको हम मर्ज कर लेंगे इस टाइप से। यहाँ पे हम मर्ज कर लेते हैं और ब्रश को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, हल्के हाथ से कलरिंग करना होता है और पॉइंट से काम करते हैं। 6 नंबर ब्रश 8 नंबर ब्रश का यूज़ हम कर सकते हैं, बड़ा काम के लिए बड़े ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, छोटे काम के लिए छोटे ब्रश का। कलरिंग अच्छे से मिक्स करना है, पहले लाइट शेड किया था अब हम थोड़ा सा डार्क करने के लिए मिडल शेड यूज़ करेंगे, लगाने के बाद उसे मर्ज करेंगे इस टाइप से। यहाँ पे भी पहले लाइट फेस के लिए किया था अब हम मिडल शेड लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं। ब्रश में कलर अच्छे से लगाना है, बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं। बालों का कलर करने के लिए क्रोम येलो, येलो ऑकर शेड को मिक्स करते हैं और हल्के हल्के हाथ से पहले लाइट शेड भर देते हैं, लाइट लाइट करना है, फिर ड्राई हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन रहेगा, फिर ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद डार्क ब्राउन, ऐसे 3 स्टेप में हम कलरिंग करने वाले हैं। अब ये ब्राउन शेड है, ब्राउन इस टाइप से थोड़े सी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हेयर स्टाइल में, लाइट मिडल डार्क शेड, ऐसे हम कलरिंग करते हैं। यहाँ पर हम क्रिमजन कलर है उसका यूज़ करते हैं फ्रॉक में, हमारे मनपसंद कलर भी हम इसमें भर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आँख में हम पहले ब्राउन से कर लेते हैं, आईब्रोज और आईबॉल भी ब्राउन से करना है, अब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद डार्क ब्राउन भी यूज़ करेंगे। जो उसका ड्रेस है उसके अंदर लाइट पिंक शेड, तो क्रिमजन को ही हम यूज़ करते हैं लाइट शेड के लिए। तो इस टाइप से अच्छे से मर्ज करना है, हल्के हल्के हाथ से कलरिंग करना है।
मर्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने नीचे वॉश किया था, वॉश नहीं करते तो मर्ज नहीं होता है। शूज़ है, शूज़ में भी सेम। अब यहाँ पे हम डार्क ब्राउन शेड का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे 3-4 स्टेप में हम हेयर स्टाइल में कलरिंग करते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, और पॉइंट से काम करना है। कलरिंग अच्छे से मिक्स करना है और पॉइंट से काम करना है। पॉइंट के लिए हम 0 नंबर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ब्राउन था, अब उसमें थोड़ा सा और डार्क शेड करते हैं सर्कल बनाने के लिए, छोटे छोटे, और हाईलाइट भी रखा है ऑलरेडी। उसकी पलके ड्रॉ कर लेते हैं, आईब्रोज बना लेते हैं सुंदर सी, दोनों साइड की सेम एज इट इज। और यहाँ पे ड्रेस के ऊपर बो ड्रॉ करते हैं, लाइट लाइट ड्रॉ करना है। जो अम्ब्रेला है उसमें हम हमारे मनपसंद कलर भर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाना है तो भी हम बना सकते हैं। फिर नीचे में थोड़ा सा सैप ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन के शेड यूज़ करते हैं। नीचे बॉटल भी ऑलरेडी हमने करके रखा है थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड रेड को यूज़ करेंगे, और दूसरे साइड में ब्लू कलर। तो इस टाइप से हम अम्ब्रेले का कलर भी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रास, फ्लावर, मशरूम हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें ड्रॉ करना है, ऊपर स्ट्रोक चलाना है, लाइट लाइट करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना है। क्यूट सा गर्ल है, उसी टाइप से हमें ड्राइंग करना है। अब बारिश हो रही है इसलिए हम इस टाइप से स्लांटिंग स्ट्रोक लगा रहे हैं। तो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू शेड को ब्रश बहुत पीछे पकड़ के रखना है और पॉइंट पॉइंट से लगाना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। तो इस टाइप से पूरा हो जाने के बाद पेन से हमें आउटलाइन करना है। पेन से कर सकते या नहीं करना है तो भी नहीं कर सकते, हमारे ऊपर है। तो पूरा ड्राइंग हम ब्लैक कलर के पेन से आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन हो जाने के बाद बारिश की कुछ बूंदें भी हम इसमें दिखा सकते हैं पेन से बनाकर। इस टाइप से हम एक सुंदर सा अम्ब्रेला गर्ल्स का वाटर कलर में पेंटिंग बना सकते हैं। आपको पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।